रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर रात को बसें नहीं रहती हैं ओंकारेश्वर और इंदौर के लिए। जो यात्री वगैरह आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, वो तलाशते हैं टैक्सी वगैरह जो साधन मिल जाए उनको। तो ये बेसिकली टैक्सी ऑनर्स हैं और इनके बीच में सवारियों को बिठाने को लेकर के विवाद हुआ था कल। इसी पक्ष में, एक पक्ष में सद्दाम और शेरू थे, दूसरे में अखिलेश और विकास शर्मा थे, आदित्य मतलब। तो इनके बीच में इसी विषय को लेकर के, सवारी बिठाने को लेकर के, पहले कि मैं सवारी आई तो मैं बिठाऊंगा और दूसरा कह रहा था मैं बिठाऊंगा, इसी को लेकर विवाद हुआ था और ये विवाद कल झगड़े में परिवर्तित हुआ। दोनों पक्षों थाने पर आने पर इन पर एक दूसरे के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किए गए थे। आज दोनों की गिरफ्तारी ली गई है। इसके साथ ही साथ जो और इन्वॉल्व थे एजेंट, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। कुल 5 आदमियों को 151 के अंतर्गत गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है और अपराधों में अपराधकारी मिली गई। सर, लगातार हुआ है तो जिस तरह से एजेंटी को लेकर जो विवाद की बात आ रही है, तो आगे से पुलिस इसमें कुछ कदम ऐसा भी आया है कि एजेंटी को लेकर के कुछ विवाद है। कुछ एजेंट हैं जो यहाँ गाड़ियों में, जो टैक्सियों में, उनमें सवारी भराते हैं और उसके बीच में कमीशन वसूलते हैं, तो इस बिंदु पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अब जो भी कोई एजेंट इस तरह का ऐसा पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।